शाबाश शाबाश। हमारे गांव से भी एक है पारस पपनोई, हमारे नरेश चंद जी के लड़का, तो इसे ही पूछता हूँ कैसा लगा? सही लगा। गोविंद बल्लभ पंत जी की दया है जी, अच्छा उभर करके देश की सेवा करे और अच्छी ऊंचाइयों को छुए और जिससे गांव का भी विकास हो और देश का भी विकास हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका उमेश तिवाड़ी के एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज जैसे आपको पता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज 137वीं जयंती है, तो उसके अवसर पर यहाँ शालदे के भाकुड़ा पे एक प्रोग्राम चल रहा है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाऊँगा। और सुनने में आया वहाँ मैराथन भी चल रही है, लड़कों की भी लड़कियों की भी, और जो भाकुड़ा के चौराहे पर जो गोविंद बल्लभ जी का जो गेट बना है वहीं पर प्रोग्राम है, तो वहीं पर मैं जा रहा हूं दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहिए और अभी आपको दिखा दें सुबह के 9:30 और मौसम हल्के हल्के बादल लगे हैं। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं यहां पर भाकुड़ा के चौराहे पे। नमस्कार, ये देखो दोस्तों यूट्यूबर सुबह से पहुंचे हैं यहाँ पर, बना रहे हैं लगातार वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे दीपू भाई। दीपू भाई आपने भी हिस्सा लिया? अच्छा, किसी जयमाने में ये भी लेते थे हिस्सा? ये पुलिस वालों की देखरेख में दोस्तों ये दौड़ संपन्न की जा रही है हमारे यहाँ पर। ये हमारे पंडित जी और डिग्दा भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। अभी वहाँ पर लड़कियों की दौड़ संपन्न हो चुकी है और अब वलमरा से लड़कों की दौड़ वहाँ से शुरू हो चुकी है, कभी भी यहाँ पर पहुँच सकी है। हमारे धीरू भाई आ रखे यहाँ पर है, हाय बोल दो धीरू। हेलो, आप कब पहुँचे यहाँ? मैं तो अभी जस्ट पहुँचा हूँ। जस्ट पहुँचे रहे हो ना, तो आपके आने से पहले दौड़ हो गई कितने संपन्न? ब्लॉक से हुई स्टार्ट। अच्छा, ब्लॉक से। टोटल दोस्तों 22 लोगों ने हिस्सा ले रखा है यहाँ पर, 22 लड़कियों ने भाग लिया, लड़कियों के उसमें मोंटी भाई भी हैं यहाँ पर, ये भी पहुँच चुके हैं। हाँ, काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पर आज। ना ब्लॉग चल रहा है, ये हमारे यशपालदा हैं और ये हमारे डिग्दा और डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर, सभी लोग आ रखे हैं दौड़ देखने के लिए और अपने अपने जमाने के सारे धुरंधर लोग हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं जो लड़कों की दौड़ है उसके प्रतिभागी वलमरा से आ रहे हैं और आपको सीधे लाइव दिखाया जा रहा है यहाँ पर अभी। और ये आप देख सकते हो जो लड़का सबसे फर्स्ट आ रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर, अभी देखना पड़ेगा कौन है करके। ये दोस्तों आप देख सकते हो नंबर। दोस्तों आप देख सकते हो अभी सेकेंड नंबर पर और जो थर्ड नंबर पर प्रतिभागी हैं एक साथ आ रहे हैं अभी, और अभी भी फासला 50 मीटर का यहाँ पर, और आप देख सकते हो कोई भी आ सकता है इसमें। थोड़ा लीड हो ही गई। बड़ा
लगता है। कैच 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 क्या चल हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे उनियाल जी हैं जो लाइव वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्होंने अभी यहाँ पर प्रतिभाग किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी यहाँ पर दौड़ संपन्न हो चुकी है भाखड़ा के चौराहे पे। तो यहाँ पर बच्चे आ रखे हैं, इनसे पूछते हैं। हमारे गांव से भी एक है पारस पपनोई, हमारे नरेश चंद जी के लड़का, तो इसे ही पूछता हूँ कैसा लगा। सही लगा। और ये मन में जोश था कल से कि मुझे भाग लेना है इसमें। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कैसा मतलब कोई अनुभव अच्छा लगा? अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ का पारस है जिसने भी यहाँ पर भाग लिया और बहुत ही अच्छा, और इनके साथ आप देख सकते हो बहुत बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और हमारे नरेदा को भी बहुत बहुत बधाई। नरेदा क्या कहना चाहे आप, बालक ने प्रतिभाग किया? मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चा देश के लिए गोविंद वाला पंजीकृत है जी, अच्छा उभर करके देश की सेवा करे और अच्छी ऊंचाइयों को छुए, और जिससे गांव का भी विकास हो और देश का भी विकास हो। हाँ जी, जो है सुनने में आ रहा कि आप कल से ही बच्चा बोला था मुझे भाग लेना, आप पैदल गांव से वलमरा चले और वहां से फिर यहां से दौड़ भाग लिया। कितने बजे निकले हो सुबह? वो सुबह हम करीब 7:30 बजे घर से निकल चुके थे। अच्छा, पैदल रन अप करते हुए सीधे वलमरा और वलमरा से जो है सीधे उसमें बच्चे के प्रतिभाग में उसको शामिल किया और उसके बाद उसी के पीछे पीछे आते हुए। बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये हमारे नरेदा जो है एक उदाहरण है और हमारे इलाके में, क्योंकि ये अपने
अपने बच्चों पर तन मन धन से हमेशा लगे रहते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चों ने, बहुत कम ने भाग लिया, इक्के दुक्के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने बालक को इतना जागरूक कर रखा है इस क्षेत्र में कि हर चीज़ में उन्होंने प्रतिभाग किया। और सुबह गाँव से वहाँ वलमरा ले गई, वहाँ से फिर उसको प्रतिभाग कराया। तो वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों पर, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरिदा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, अभी आपको कार्यक्रम दिखाया जाएगा और मिलाया जाएगा आपको जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रखे हैं। तो अभी आपको मिलाते हैं जो लड़का यहाँ फर्स्ट आ रखा है उससे मिलाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हो दोस्तों, जो लड़का है ये फर्स्ट आ रखा है। क्या नाम है तुम्हारा? और ये इसके पापा है ना आप जी? कहाँ के रहने वाले हो? आप कितने में पढ़ते हो? अच्छा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, तो आप मेहनत करते, मतलब अभ्यास करते होंगे ना डेली? अच्छा अच्छा, और कुछ कहना चाहोगे? कैसे अंदर से कैसा हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा अच्छा, बस हमें पार्टिसिपेट करना था, बाकी हार जीत करना चाहिए, हार जीत तो लगी है, सभी को करना चाहिए। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? केवीएससी चनोले। अच्छा, चनोले में। तो दोस्तों देख सकते हो आप, चनोले में पढ़ता है लड़का, कक्षा 11 में ना, कक्षा 11 में पढ़ता है, जो कि आज यहाँ शालदे जो भाखड़ा पर रैली हुई थी, उसकी मैराथन हुई थी, उसमें फर्स्ट आ रखे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। और ये आप देख सकते हो फर्स्ट आ रखे हैं हमारे इधर के, और इनके पिताजी भी हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपका लड़का जो है फर्स्ट आ रखे हैं। मंडली को जी जी, इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया क्षेत्र के, हाँ, जनता को जागरूक करने के लिए, उनके बच्चों को जागरूक करने के लिए, ताकि हम जो है हमारे बच्चे अपने आप को परख पाए, वहाँ पाए, नशे से जो है बहुत दूर रहे। जी जी जी, तो बहुत बहुत सुंदर, आपने बहुत सही लाइन दे रखी है। हमने बच्चों को ऐसे ही स्पोर्ट्स में कामना करते कि आगे भी ऐसे ही आगे चलते जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू, आपका भी, आप सभी लोगों का। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अभी रिबन कटेगा यहाँ पर, उसके बाद ही यहाँ पर आगे का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत अमर जय, गोविंद वल्लभ पंत अमर जय, भारत माता की जय जय। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी पर एक विशाल रैली अब निकाली जा रही है, क्योंकि दौड़ संपन्न हो चुकी है। अब यह रैली भाखड़ा के जो पंथ चौक है वहां से भाखड़ा मेन मार्केट तक जाएगी। और आप देख सकते हो सभी लोग यहां पर आए हुए हैं हमारे क्षेत्र के, और देख सकते हो आप ये हमारे उनियाल जी हैं, राकेश बिष्ट जी हैं, सभी लोग यहां पर आए हुए हैं आज। और हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती गंगा पंचोली जी भी यहाँ पर आई हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी यहाँ भाखड़ा पंथ चौक से, यहाँ भाखड़ा के मेन मार्केट में ये रैली निकल रही है। और आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में लोग आ रखे हैं यहाँ, ऊपर सरंखे साइड से भी आ रखे हैं, दिघाट साइड से भी, हमारे शालदे के भी हैं, काफ़ी लोग हैं आप देख सकते हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ पर उनकी याद में पेड़ लगाया जा रहा है और उसके बाद तहसीलदार जी द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं समय अमूल्य आपका हमें चीजें होगा आपसे निवेदन है और आप सबके सहयोग से ही हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम प्रज्वलित करते हुए तहसीलदार महोदय शालदे और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया में भी फोटो बराबर शेयर करें क्योंकि ये कार्यक्रम एक और दीप प्रज्वलित करते हुए तहसीलदार महोदय एक बार जोरदार तालियां आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आप सबका आगंतुकों का अधिकारीगणों का कर्मचारियों का सहयोगी साथियों का मातृशक्ति का बच्चों का अपना अमूल्य समय निकालकर हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देशन पे उप जिलाधिकारी विकेशन के द्वारा 8 विभागों को आइटम मुड़ा अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग रानीखेत और इस कार्यक्रम का शंखनाद करते हुए हमारे आने का कष्ट करेंगे सूक्ष्म रूप से और आगे बढ़ाते हुए मैं श्री क्या पहुंचेंगे और हमारे स्वागत टीम के सभी पदाधिकारी वहां पे पहुंचेंगे व्यवस्था बनाएंगे श्री दान सिंह पिष्टी जी जीना जी जहां पे झंडा रोड़ा है वहां पे पहुंचने का कष्ट करेंगे सभी साथी लोग कृपालदार ढोंडियाल जी आप सब लोगों से निवेदन है कि आज का झंडा सब लोग अपने अपने स्थानों में ऐसे खड़े हो जाएंगे घूमकर अपने अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे और स्वागत गीत के लिए हरलाल वर्मा इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं आत्महत्या निवारण दिवस भी है इस संबंध में तो महापुरुषों के लिए चार लाइन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ महापुरुषों ने कई अनगिनत काम किए हैं मनुष्य शरीर दिया परमात्मा ने कर्म करने को के लिए समस्याएं दी हैं तो समाधान भी दिया है सोचो जरा पूर्वजों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है अभी तो शुरुआत है जीवन पूरा पड़ा है अभी टकराए हो पत्थर से आगे तो पहाड़ खड़ा है कुछ भी हो जीवन में आता जोड़ो ये जीवन हम सब सजोए हैं सकल पदार्थ दिए हैं उसने फिर भी हम सोए हैं पेड़ पौधों की सेवा कर लो 100 तीर्थ का पुण्य मिलेगा हर दुख से आराम जितने ज्यादा पौधे रोपो हो गए समझो चारों धाम पानी मिला है अमृत जैसा मिली है इतनी सुंदर हवा ऊंच नीच शिखर सजे हैं इन्हीं से जीवन की अनमोल दवा नदियां बहती नाले बहते आगे चलकर मिलजुल रहते मानव एक थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहे हैं और यह सब सारे कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय भाकुड़ा में आयोजित हो रहे हैं और ये स्कूल के बच्चे नन्हे मुन्ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं आज गोविंद वल्लभ पंत की 137वीं जयंती पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर भाकुड़ा में सुबह मैराथन हुई और उसके बाद अभी ये प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत ही सुंदर मैराथन में और संस्कृत में पारस पंत जी के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं पारस नमस्कार मेरा नाम पारस पुत्र नहीं है मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ मैं आपके सामने गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ उत्तराखंडे समय समय अनेका महापुरुषा अभवन तेसु गोविंद वल्लभ पंत अग्रणी अस्ति सह प्रख्याता राजनीतिज्ञ कुशल वक्ता संसदीय प्रथाया मर्मज्ञ देशस्य नवीनतम च आसीत् हिमालय पुत्र पंत महाभाग 1887 तमे ख्रीष्टाब्दे सितंबर मासस्य 10 दिनांके अल्मोड़ा जनपदस्य कूट ग्रामे जन्म अलभत
तस्य पितु नाम मनोहर पंत अस्ति मातुश्च नाम गोविंदी देवी अस्ति। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा रामदेव इति विद्यालय प्राप्य सः उच्च शिक्षा प्रयागम नगरे आगच्छत्। आंग्ल शासन अत्याचार विरुद्ध च 1916 तमे ख्रीष्टाब्दे कुमायु परिषद संस्था या संस्थापना करोत। कुली बेगार प्रथाया उन्मूलन कर दू आंदोलन संचालन करोत सफलता च प्राप्नोत। सर्वत्र जैसे यदा साइमन कमीशन इति अस्य विरोधम अभवत्। ईमानदारी उन्मूलन भू सुधारक सहकारिता खाद्य उद्योग स्थापना अकरोत। पंतस्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापना तस्य दूर दृष्टे परिणामम अस्ति। अधुना अयम विश्वविद्यालय न केवलम भारत अपितु विदेशस्य अपि प्रतिष्ठा अस्ति। भारतस्य तो दोस्तों यह आज गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर आयोजन यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और यह दोपहर 2 बजे तक चलाए। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं उमेश तिवाड़ी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।